वो बचपन से एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोज ओस्टालेविस्की। गाइज, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिसे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 × 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलेगा, इसमें आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए। और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, इससे लकी बंदा शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कहीं देखा हो। सेल्फी लेने का शौक सबको होता है, तो ये बंदा भी अपने प्लेन में बैठ के उड़ान भरने से पहले सेल्फी ले रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मंजर हैरान कर देने वाला था। देखिए गाइस, क्या आपको भी लगता है कि बंदा बहुत किस्मत वाला है या इससे भी किस्मत वाला बंदा आपने कहीं देखा है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। गाइस, मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है, तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 5 5 5। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको यह याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना। करके दिखाओ कैसे करोगे, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। सो चलो गाइस, मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो आपका पहला प्लस का साइन है ना, उसको आपको ये लाइन लगा के 4 बनाना था। अब ये कितना हो गया, 5 + 5 + 5 = 5 55। मैथ का इक्वेशन ठीक हो गया। आपको ये पजल कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूं। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। यह अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। हे गाइस, एंशियंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग। यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 0 को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज, 0 का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पर खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। So guys, अगर आप ये सोचते हैं कि 0 की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर 0 इन्वेंट नहीं हुआ होता ना, तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब 0 ना देता भारत, तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी, और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है, और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के IITian PK सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है।